हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइज, अगर आप सेकंड हैंड आईफोन परचेज करने जा रहे हो, या फिर वो ओलेक्स से परचेज कर रहे हो, या फिर आप किसी शॉप से बाय कर रहे हो, सो आप अपने आईफोन में ये सारी चीज़ें कैसे चेक कर सकते हो कि वो क्या वो आईफोन बिल्कुल सील्ड है, कौन सी चीज़ उसमें वर्किंग कंडीशन में है और कौन सी चीज़ उसमें वर्किंग कंडीशन में नहीं है। चलो गाइज, उस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा आईफोन 7 मॉडल है। और अगर गाइज मैं मान लो कि कोई आईफोन परचेज़ करने जा रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि क्या सारी की सारी जो चीज़ें आईफोन में अवेलेबल रहती हैं, क्या वो चल रही हैं कि ख़राब हैं, सो इसके लिए मुझे जाना है ऐप स्टोर में और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है रीवा टेस्ट। और आप देख सकते हैं RIVA टेस्ट, और इसका जो ऐप आइकन है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको ये जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, आपको जो है दो मोड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो मोड है वो नीचे आप बॉटम सेक्शन में देख सकते हो, ऑटो टेस्ट का। आप जो अपने आईफोन में ऑटोमेटिकली ऑटो टेस्ट स्टार्ट करवा सकते हो, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सारा कुछ डिटेक्ट करेगी, कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर आपका ऑटो टेस्ट फेल हो जाता है तो आप मैनुअल भी यहाँ पर टेस्ट आइटम्स भी, अगर आपको कोई सिंगल आइटम टेस्ट करना है कि ये सेंसर चल रहा है, म्यूट स्विच चल रहा है, कंपास चल रहा है, होम बटन चल रहा है, कैमरा चल रहा है, टच आईडी चल रही है कि नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे चेक कर सकते हो। बाकी हम ऑटो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोसेस शुरू होता है जेल ब्रोकन से, सेलुलर से। जेल ब्रोकन इसलिए यहाँ पर इसने प्रोवाइड किया कि गाइज यहाँ पर जो आईफोन्स बाईपास हो रखे होते हैं वो जेल ब्रोकन रहते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं आपको ज़रूर मेंशन कर रहा हूँ मैं कि आपको ध्यान से चेक करनी है। अब यहाँ पर ये वाईफाई जो है चेक कर रहा है कि वाईफाई जो है हमें जो है इतने सेकंड्स में ऑन करना है, सो दैट ये कनेक्ट करके वाईफाई जो है चेक कर सके। आप देख सकते हैं इसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो टिक मार्क लग रही हैं। तो यहाँ पर हमें वाईफाई बंद भी करना है जिसके कारण ये जो है सारी चीज़ें चेक कर सके। मोबाइल डेटा हमें ऑन करना है, सो GPS भी ऑन करें, लोकेशन वगैरह, मोबाइल डेटा भी ऑन करें, जिस कारण ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली चेक करेगा। और बाकी गाइज आपसे अगर ये जो है मैनुअल टेस्ट में आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक है, मान लो कि हमारे फ़ोन में भी सिम कार्ड नहीं है तो हमें इसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी सिम। सो बाकी जो है नॉर्मल चीज़ जो है वो मैनुअल टेस्ट में ज़्यादा बेहतरीन है कि अगर आप अपनी स्क्रीन को टेस्ट करना चाहते हो कि आपकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, सो आप यहाँ पर स्क्रीन टच में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर म्यूट बटन जो है, यहाँ पर इसे रेड कलर का मार्क दिया गया है कि यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया है। आई डोंट नो क्यों फेल किया है, लेट्स ट्राई। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने म्यूट जो है ऑफ़ किया तो यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है, म्यूट जो है साइलेंट में ऑन किया, और अब मैं इसे करूँगा ऑफ़ तो यहाँ पर नीचे वाला भी ग्रीन हो गया है। सो यहाँ पर ये श्योर हो गया कि हमारा जो म्यूट बटन है वो भी चल रहा है। सो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टच आईडी और बाकी से सारे जो भी एयरफोन्स या डिस्प्ले स्क्रीन है, वो सारी की सारी चीज़ें आप चेक करो कि आपके फ़ोन में क्या वर्किंग कंडीशन में है, क्या ख़राब है। तो इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन में सबसे बेहतरीन तरीके से आप अपना आईफोन जो है टोटली चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ें उसमें ख़राब है, क्या जिसमें उसमें वर्किंग है। आई होप गाइज आपको ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि गाइज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आईफोन में जो है पहले जब हम बाय करने जाते हैं तो उसमें जो है नॉर्मली वर्क कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि चीज़ चेक क्या करनी है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन आपका ये जो है काम आसान कर देगी। सो आई होप आपको ये जो है ऐप पसंद आई होगी, रीवा टेस्ट इसका नाम है, जाकर इंस्टॉल करो। और अगर आपके पास आईफोन है जो कि आपने सेकंड हैंड परचेज़ किया है, कर लिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो कि क्या ये एप्लीकेशन उसमें किस तरह के पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, कौन सी चीज़ें आपके आईफोन में वर्किंग हैं या नहीं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।